दोस्तों, यदि आप गेम खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, आप अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, और इसलिए अभी आप एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और अपना गेमिंग स्किल का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि चैनल बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब चैनल बना लेने के बाद यूट्यूब चैनल पे काफी सारे सेटिंग्स करना होता है। तो किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसके बाद कैसे आप अपने फोन के माध्यम से ही यूट्यूब चैनल के सारे सेटिंग्स को सही तरीके से सेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो यदि आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बना के अपना गेमिंग स्किल का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल के लिए एक नेम चूज करना है, और जो भी नेम आप चूज करेंगे उस नेम से दूसरा कोई चैनल बना हुआ है या नहीं ये आपको चेक करना है। क्योंकि दोस्तों, जिस नाम से आप चैनल को बनाएंगे उस नाम से यदि पहले से ही चैनल बना हुआ है तो ऐसे में आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना चैनल के लिए URL नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, जिस नाम से आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं उस नाम से दूसरा कोई YouTube चैनल है या नहीं ये आप कैसे चेक कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube ऐप ओपन करके सर्च बार में उस वाले नेम को डाल देना है जिस नाम से आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप YT सुजन नाम से चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप YT सुजन सिंपली से डाल देंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद YT सुजन नाम से जो भी चैनल होगा वो आपके सामने दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे चैनल सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी नाम आप डालेंगे उस नाम से जितना भी YouTube चैनल बना हुआ है वो सारे के सारे चैनल आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मेरे सामने YT सुजन नाम से काफी सारे YouTube चैनल पहले से ही बना हुआ है। तो आप जिस नाम को रखना चाहते हैं उस नाम से यदि पहले से ही चैनल है तो इस केस में उस नेम से आपको YouTube चैनल नहीं बनाना है, आपको एक यूनिक नेम सोचना है। जैसे कि इस बार मैं यहाँ पे डालता हूँ YT सुजन देव, उसके बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ब्लॉग चैनल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चैनल सेट करके जैसे यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे यहाँ पे सुजन देव नाम से चैनल बना हुआ है, लेकिन दोस्तों YT सुजन देव नाम से यहाँ पे एक भी चैनल नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, मैं अपने चैनल का नेम YT सुजन देव रख सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक यूनिक नेम ढूंढना है। उसके बाद दोस्तों, YouTube चैनल बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, लेकिन दोस्तों काफी सारे भाई लोग ये गलती करते हैं कि पहले से ही फोन में जो ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से ही अपना चैनल बना लेते हैं। तो आपको ये वाला गलती नहीं करना है, आपको अपना YouTube चैनल के लिए एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है, और जिस ईमेल आईडी से आप अपने चैनल को बनाएंगे उस ईमेल आईडी को कहीं पे भी यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको अपने फोन में अपना जीमेल ऐप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आना है और एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे गूगल प्ले ऑप्शन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस करके यहाँ पे फॉर माय सेल्फ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, और दोस्तों आप यहाँ पे जो नेम डालेंगे वो आपका रियल नेम होना चाहिए। तो अपना सही नेम डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेट करना है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी पे है वही बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपके सामने दो डेमो ईमेल आईडी दिखाया जाएगा, तो इसमें से किसी भी एक ईमेल आईडी को अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसमें टिक मार्क लगा के अपना खुद का ईमेल आईडी मतलब अपना पसंद का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के उससे आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे
खुद से डाला है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ इस टाइप से पासवर्ड आपका होना चाहिए। और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उस पासवर्ड को आप अपने डायरी पे लिखे रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार हम लोग ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करना है और यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद नीचे आना है और आई एग्री वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी ईमेल आईडी को आप बनाएंगे वो वाला ईमेल आईडी आपके फोन में लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों न्यू ईमेल आईडी बना लेने के बाद क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा न्यू ईमेल आईडी बन चुका है। तो न्यू ईमेल आईडी बना लेने के बाद आपको अपना चैनल क्रिएट करना है। तो इसके लिए यूट्यूब ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, उसके बाद इस तीर के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जिस ईमेल आईडी को आप बनाएंगे मतलब न्यू ईमेल आईडी पे आपको प्रेस करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे फोन में जितने भी ईमेल आईडी है सारे के सारे ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जिस भी न्यू ईमेल आईडी को आप बनाएंगे उस वाले न्यू ईमेल आईडी पे आपको प्रेस करना होगा। जैसे कि ये रहा मेरा न्यू ईमेल आईडी, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके यूट्यूब ऐप पे आपका न्यू ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे दबा देना है। तो ऐसे में दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट चैनल का एक ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे में जो पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा है तो पेंसिल वाला आइकन पे प्रेस करना है और यहाँ से अपना नेम को हटा के जो भी नेम आप अपना यूट्यूब चैनल पे रखना चाहते हैं वो वाला नेम यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में अपना नेम को डालना है। दोस्तों ये देखने में अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट इज जॉन देव डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपका चैनल का नेम सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज जॉन देव आ चुका है, उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज जॉन देव नाम से मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों एक झटके में आप अपना चैनल को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों चैनल बना लेने के बाद आपको मेन काम करना है, आपको अपना YouTube चैनल का सेटअप करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करके सर्च बार में टाइप करना है YT Studio। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में ये वाला एप्लीकेशन होना चाहिए यदि आप YouTube चैनल चलाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप अपने YouTube के सारे एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। तो इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है और इसे ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है। उसके बाद दोस्तों अपना YouTube चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ट्राई अनदर अकाउंट पे क्लिक करने पर मेरे फोन में जितने भी ईमेल आईडी है सारे ईमेल आईडी आ चुका है, इसमें से यहाँ पे मेरा चैनल भी आ चुका है। तो चैनल पे सिंपली से आपको प्रेस करना है और इस पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अभी अभी चैनल बनाया है उससे मैंने YT Studio पे लॉगिन कर लिया है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने फोन में अपना क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको सिंपली से टाइप करना है कि यूट्यूब डैशबोर्ड। तो दोस्तों YouTube डैशबोर्ड डाल के जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे तो पहले नंबर पे ही आपको YT Studio का वेबसाइट देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में दोस्तों रीडायरेक्ट होके ऑटोमेटिकली YT Studio का डेस्कटॉप सेट ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे YT Studio का डैशबोर्ड खुल चुका है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने चैनल पे प्रेस कर देना है। जैसे कि दोस्तों ये रहा मेरा चैनल, तो इस पे मैं सिंपली से प्रेस कर दूंगा। तो ऐसे में यहाँ पे YouTube ऐप ओपन होकर यहाँ पे क्रोम में ओपन करने के लिए बोला गया है। चलिए यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करते हैं और क्रोम पे इसे ओपन करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दो बार क्लिक करने पर मेरे क्रोम पे ये वाला YT Studio का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप एक दो बार ट्राई करिएगा। तो ऐसे में दोस्तों YouTube Studio का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा YouTube Studio का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो काफी सारे स्मार्टफोन में ये वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन दो तीन बार ट्राई करने पर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों चैनल डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आइकन दिया गया है चैनल कस्टमाइज का, तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। उसके बाद साइड में जो ब्रांडिंग का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो सेट करना है और अपने बैनर सेट करना है। तो लोगो सेट करने के लिए आपको अपने चैनल के लिए एक लोगो बना लेना है।
और एक चैनल बनर भी बना लेना है। तो कैसे आप लोगो और चैनल बनर बना सकते हैं, ये आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं और अच्छा सा एक लोगो और चैनल बनर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही एक चैनल लोगो बना के रखा है, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चैनल लोगो आ चुके है। उसके बाद चैनल लोगो डालने के बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो ऐसे में आपका चैनल लोगो सेट हो जाएगा। उसके बाद बैनर ऐड करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे प्रेस करके अपना बैनर को भी चूज कर लेना है। तो आप अपने तरीके से एक अच्छे से बैनर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैनर डाल के भी डन करना है, तो ऐसे में आपके चैनल बैनर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पे लोगो और बैनर दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी चैनल सेटिंग्स के ओर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों नीचे सेटिंग्स का एक आइकॉन दिखाया गया है, तो इस वाले सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे जो चैनल का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि अपना कंट्री सेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो जो भी कंट्री का आप है उस वाले कंट्री पे क्लिक करना है। तो मैं इंडियन हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कीवर्ड्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वाला कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स के अंदर क्या डालना है और कैसे डालना है और क्यों डालना है वो आप समझ लीजिए। दोस्तों कीवर्ड्स के अंदर आपको अपना चैनल नेम डालना है। दोस्तों आपको अपना चैनल का नेम दो बार डालना है, एक बार दोस्तों कैपिटल लेटर में और दोस्तों स्मॉल लेटर में। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में यहाँ पे अपना नेम डालना है, मतलब चैनल नेम डालना है। उसके बाद इस तीर के निशान पे क्लिक करने पर ये वाला नेम बॉक्स के अंदर दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर से आपको स्मॉल लेटर में डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में डाल दिया है YT सुजन देव। उसके बाद इस तीर के निशान पे क्लिक करने पर बॉक्स के अंदर ये दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो दोस्तों चैनल कीवर्ड्स क्यों डालना है, चैनल कीवर्ड्स के अंदर अपना चैनल नेम डालने पर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब तक आप चैनल कीवर्ड्स के अंदर अपना चैनल नेम नहीं डालेंगे तब तक दोस्तों आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। मतलब दोस्तों कोई भी यदि आपका चैनल नेम से यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपके चैनल नेम से सर्च करने पर भी सर्च लिस्ट में आपका चैनल नहीं आएगा। तो ऐड कीवर्ड्स के अंदर आपको अपना चैनल नेम जरूर डाल देना है। तो अगला सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सब्सक्राइबर काउंट, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इस बॉक्स पे टिक मार्क दिखेगा, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके अनटिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। मतलब दोस्तों आपके अलावा आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है किसी को भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों जब तक आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक दोस्तों आप अपना सब्सक्राइबर काउंट को अनहाइड मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों यदि कोई देखता है कि आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है या फिर 1-2 सब्सक्राइबर है तो ऐसे में वो बंदा का वीडियो तो देख लेगा लेकिन आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो सब्सक्राइबर हाइड करने का फायदा यही होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स करना है कि आपको अपना चैनल को अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपना मोबाइल नंबर से अपना चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप अपने वीडियो पे थंबनेल नहीं लगा पाएंगे या फिर दोस्तों आप 15 मिनट से ज्यादातर वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकेंगे, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो मोबाइल नंबर से अपना चैनल वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली से वेरीफाई फोन नंबर वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे YouTube ओपन हो चुका है और नीचे दोस्तों यहाँ पे क्रोम भी दिखाया गया है। तो क्रोम पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप अपना चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे OTP ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ पे कॉल के द्वारा भी ले सकते हैं। तो टेक्स्ट पे टिक मार्क लगा के यहाँ पे गेट कोड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपके फोन नंबर पे OTP दिया जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे OTP मिल चुका है। तो OTP आपको यहाँ पे सिंपली से डाल देना है और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपका चैनल आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर से चैनल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगला सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइसेंस के अंदर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दिखाया गया है तो इसके अंदर यही आपको रहने देना है। उसके बाद साइड में दिया गया है कैटेगरी, तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो यदि आप गेमिंग चैनल बनाना चाहते हैं तो इस केस में
आपको यहाँ पे गेमिंग वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। इसके अलावा काफी सारे कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो जिस भी कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहते हैं उस वाले कैटेगरी के ऊपर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे गेमिंग चैनल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इस केस में आपको यहाँ पे गेमिंग वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वीडियो लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज पे आप वीडियो बनाना चाहते है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं यहाँ पे हिंदी पे प्रेस कर दूंगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस वाले लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। बस आपको यहाँ पे सिंपली से सेव वाले ऑप्शन पे प्रेस करके सेव कर देना है। तो इन सारे सेटिंग्स को कर लेने के बाद आपका यूट्यूब चैनल रेडी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ यदि आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, जिस पे मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना बताना था। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते है अगला वीडियो पर।